लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हो चुकी है। लेकिन सिर्फ लाल सिंह चड्ढा ही नहीं, और भी कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें अब तक सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आखिर वो फिल्में कौन सी हैं जो सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई और उन्हें एक लंबा चौड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की अब तक सबसे बड़ा घाटा उठाने वाली फिल्मों के बारे में बताएंगे। आखिर वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा नकारा गया और उनका जो घाटा है वो 100 या 200 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 1000 करोड़ के आसपास हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लाल सिंह चड्ढा फिल्म 57 करोड़ रुपए की कमाई पर रुकती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म को 170 करोड़ रुपए के बड़े बजट में तैयार किया गया था। अगर फिल्म 60 करोड़ भी कमा पाती है तो इसे 110 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत के लिहाज से ये एक बड़ा नुकसान है, लेकिन अगर विश्व सिनेमा की बात करें तो ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें 200, 300 या 400 या 500 करोड़ नहीं पूरे 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर वर्ल्ड सिनेमा की बात करें तो आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 8 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अब तक बड़ा घाटा हुआ है। 8वें नंबर पर है द अलामो। 2004 की फिल्म द अलामो दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को 1990 से लिखना शुरू किया गया था, जिसके बाद इसके 3 बार राइटर बदले गए। फिल्म को इमेजिन एंटरटेनमेंट और डिज्नी ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। दोनों प्रोडक्शन के बीच फाइनेंस पर अनबन रही। फिल्म को पहले रॉबर्ट रोड्रिग्स डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने डिज्नी को बजट बढ़ाने की सलाह दी, लेकिन उसके उलट डिज्नी ने डायरेक्टर ही बदल दिया। फिल्म के सेट और वॉर सीन में मेकर्स ने पानी की तरह पैसे बहाए, लेकिन फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट करीब 729 करोड़ का था और इसने जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई की वो करीब 182 करोड़ की, और जो नुकसान उठाना पड़ा इस फिल्म को वो था 539 करोड़ रुपए का। अगली जो फिल्म है उसका नाम है द नट क्रैकर 3D। 2010 में रिलीज हुई द नट क्रैकर 3D फैंटेसी म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म को रिलीज पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। फिल्म को 551 करोड़ का नुकसान हुआ। ये डायरेक्टर कोंचालवोस्की का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे तैयार करने में उन्होंने 20 साल मेहनत की। फिल्म ने 2010 की सबसे घटिया फिल्म का मेटाक्रिटिक एंड वर्स्ट फिल्म अवार्ड जीता था, जिस अवार्ड को जीतना कोई भी फिल्म नहीं चाहती। द नट क्रैकर 3D 713 करोड़ रुपए में तैयार हुई थी। अगर इसके कलेक्शन की बात की जाए तो इसका कलेक्शन था मात्र 162 करोड़ रुपए और नुकसान हुआ 551 करोड़ का। अगली फिल्म है हाउ डू यू नो। साल 2015 की फिल्म हाउ डू यू नो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। इस फिल्म को 951 करोड़ रुपए में तैयार किया गया था, जिसने महज 239 करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन किया था। जेम्स एल ब्रूक ने ही फिल्म का लेखन और निर्देशन किया, यानी उन्होंने ही लिखा और डायरेक्ट किया। वो इस फिल्म में 2005 से काम कर रहे थे। फिल्म बनाने में उन्हें 10 साल लग गए, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है। ये एक्टर जैक निकल्सन के करियर की आखिरी फिल्म थी। हाउ डू यू नो को 951 करोड़ में तैयार किया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 293 करोड़ का और नुकसान हुआ 555 करोड़ का। अगली फिल्म है कट थ्रॉट आइलैंड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1995 के नाम दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म होने का रिकॉर्ड है। 729 करोड़ में बनी फिल्म सिर्फ 146 करोड़ कमा सकी। फिल्म के मेकर्स को इतना नुकसान हुआ कि इसे प्रोड्यूस करने वाला प्रोडक्शन हाउस सेरोल्को पिक्चर्स हमेशा के लिए बंद हो गया। पायरेट्स पर बनी फिल्म का नुकसान देखते हुए दुनिया में पायरेट्स थीम पर फिल्में बनना लगभग बंद हो गई थी। 2003 में जब पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन रिलीज हुई तो फिर पायरेट्स पर फिल्म बनने लगी। रीशूट और स्क्रिप्ट में लगातार बदलाव होने के चलते प्रोडक्शन हाउस शूटिंग के दौरान ही दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। इस फिल्म का बजट करीब 729 करोड़ का था और इसने कलेक्शन किया था 146 करोड़ का और नुकसान हुआ पूरे 582 करोड़ का। अगली फिल्म है द प्रॉमिस। ऑस्कर आइजैक स्टारर फिल्म वर्ल्ड वॉर वन के बैकड्रॉप में बनी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। फिल्म में कई विवादित सीन और नरसंहार दिखाया गया जो कई देशों के लिए आपत्तिजनक था।
भू राजनीति के कारण यूएस में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर तक नहीं मिले। फिल्म में दिखाया गया है कि वर्ल्ड वॉर वन में 1.5 मिलियन आर्मेनियाई लोगों का निधन हुआ, लेकिन तुर्की सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। विवाद ऐसे बढ़े कि 713 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 10 गुना कम सिर्फ 79 करोड़ ही कमा सकी। मेकर्स ने सफाई में कहा कि ये फिल्म उन्होंने कमाई के लिए नहीं बल्कि लोगों को सच्चाई से अवगत कराने के लिए बनाई थी। इस फिल्म को 713 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया। इस फिल्म ने कलेक्शन किया 79 करोड़ का और नुकसान हुआ पूरे 629 करोड़ रुपए का। अगली फिल्म है द एडवेंचर्स ऑफ प्लूटोनाश। साल 2002 की फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ प्लूटोनाश में एक्टर एडी मर्फी ने डबल रोल प्ले किया। ये एक साइंस फिक्शनल कॉमेडी फिल्म थी जिसे दुनिया भर में फ्लॉप घोषित कर दिया गया था। 2014 में लॉस एंजलिस टाइम्स ने इस फिल्म को सबसे बड़े बजट की बनी दुनिया की सबसे फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में जगह दी थी, जिसमें कोई भी जाना नहीं चाहता। इस फिल्म का कुल बजट था 792 करोड़ का, कलेक्शन हुआ सिर्फ 56 करोड़ और नुकसान झेलना पड़ा 736 करोड़ का। अगली फिल्म है टाउन एंड कंट्री। साल 2001 में रिलीज हुई हॉलीवुड की फिल्म टाउन एंड कंट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। फिल्म को उस जमाने में 832 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, जिसने बजट से 10 गुना कम 82 करोड़ की कमाई की। 2 साल तक फिल्म की शूटिंग हुई, जिससे मेकर्स ने दिन रात एक किए। हालांकि नतीजा संतोषजनक नहीं रहा। करीब 2 सालों में शूटिंग पूरी हुई, लेकिन जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट से खुश नहीं हुए तो उन्होंने नई स्क्रिप्ट के साथ फिल्म रीशूट की। लीड एक्टर वॉरेन बेटी ने भी सीन रेटेक से शूटिंग शेड्यूल खूब बढ़ाया। 12 बार फिल्म की रिलीज डेट बदलने के बाद इसे 21 अप्रैल 2001 को रिलीज किया गया। इस फिल्म का कुल बजट था 832 करोड़, कलेक्शन किया सिर्फ 82 करोड़ और नुकसान हुआ 744 करोड़ का। अब बात उस फिल्म की जिसका आप सभी को इंतज़ार था, यानी दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म। फॉरेस्ट गंप जैसी फिल्म बना चुके डायरेक्टर रॉबर्ट जेमेस्किस की फिल्म मार्स नीड मॉम बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसे एनिमेशन पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए तैयार किया गया था, हालांकि लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। लोगों ने इसे डिजास्टर और क्रीपी तक कहा। नतीजा ये रहा कि 1188 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धड़ाम साबित हुई। इस फिल्म का बजट था 1188 करोड़ का। इस फिल्म ने कलेक्शन किया सिर्फ 309 करोड़ का और नुकसान झेलना पड़ा 871 करोड़ का। तो आज तक फिल्म के इतिहास में पूरी दुनिया में 871 करोड़ का नुकसान किसी भी फिल्म को नहीं हुआ है।